मिनट। ओके, तो हम लोगों ने जो कल किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो तो दूसरा फॉर्म है जिसको हमें करना है, माने चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको बताए थे पहले। ओके, सो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या करना है कि हमने बताया था पोलर कोऑर्डिनेट्स में हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस थिंग, एक बार और बता देते हैं। आर थीटा से सर। हाँ, यस, दिस इज थीटा। ये तो दैट वैल्यू इज गोइंग टू, ये डिस्टेंस आपकी आर है, ठीक है। तो इसको हम जो लिखते हैं, अगर ये वैल्यू हम रखते हैं, ये एक्स और कामा क्या है, वाई है, एक्स कामा वाई, तो एक्स बाई आर कॉस ऑफ थीटा, तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा एंड वाई बाई आर, यह डिस्टेंस एक्स है, दिस इज एक्स और ये क्या है, वाई। तो वाई बाई आर इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। सो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मतलब आर कॉमन कर लें तो ये हो जाता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा। आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और व्हाट इज द आर, आर क्या होगा, तो आर के लिए कैसे फाइंड करेंगे, अगर इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो इक्वेशन के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर जब कॉमन करेंगे तो दिस बिकम आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हमें यही गिवेन होगा, प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि यह मॉडुलस वैल्यू होता है। वैसे भी हमने बताया था कि यह डिस्टेंस है कहां से, 0 से लेके यहां तक का, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अंडर रूट एक्स माइनस 0 वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहां से भी आएगा और यहां से भी वही आएगा। सो आर इक्वल टू, चूंकि यह मॉडुलस वैल्यू है तो ये दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस है, तो ये पॉजिटिव ही लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आप निकाल सकते हैं और मॉडुलस फंक्शन से भी, हमने ये बताया था ये मॉड है, तो ये मॉड जेड है। एंड थीटा क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू, क्योंकि टेन ऑफ थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, वाई और एक्स पता है, तो टेन ऑफ थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, चूंकि प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं इसलिए हमेशा मॉडुलस लिखते हैं इसको, मॉड ऑफ वाई अपॉन मॉड ऑफ एक्स, मतलब थीटा की जो वैल्यू हम मेजर करते हैं ग्रेटर देन माइनस पाई से पाई तक, ठीक है ना, माइनस पाई से पाई तक लेते हैं, माइनस पाई टू पाई, ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी होती है। तो ये कल आप लोगों को बताया गया था। वन मिनट,
सो नाउ नेक्स्ट देखो, इसी वैल्यू को हमने ये बोला था कि जेड को हम ये लिखते हैं और cos थीटा प्लस i sin थीटा को हम लिखते हैं e पावर i, मतलब cos ऑफ e पावर i थीटा क्या है आपका, e पावर i थीटा इज cos थीटा, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos theta plus i sin theta e to the power i theta, clear? अब यहां से देखो, अगर cos theta को e power i theta में लिखना हो, यानी e power minus i theta क्या होगा, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो i theta equal to cos theta minus i sin theta, ये आप नोट कर लेंगे। नाउ एड बोथ, जब दोनों को एड करेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा, मतलब रियल पार्ट cos ऑफ थीटा, 2 cos थीटा, cos थीटा cos थीटा 2 cos थीटा, तो cos थीटा को हम ये लिख सकते हैं e to the power i theta plus e to the power minus i theta, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना, अपॉन अपॉन टू, ठीक। इसी तरह से साइन थीटा के लिए भी कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर देना, आई साइन थीटा इक्वल टू दैट थिंग, तो ये अपॉन टू आई आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा अपॉन टू आई, ओके। सो ये वैल्यू हो जाएगी, अगर कॉस थीटा और साई थीटा में अगर रिलेशन निकलना तो ये आप रिलेशन कर सकते हो। इसके बाद नाउ चेंज, एक क्वेश्चन को करते हैं चेंज इन पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में चेंज करना है तो हाउ वी कैन चेंज दिस थिंग। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, आपको बता दिया। दूसरा एक पॉइंट और, क्योंकि कल हम देख रहे थे, ये देखो अगर इस तरह से हम लिख दें कि i टू द पावर 9 प्लस i टू द पावर 10 प्लस i to the power 11 plus i to the power 12, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, i to the power 9, i to the power 10, i to the power 11 and i to the power 12, यदि ये पॉइंट नहीं बताया था हमने, निकल जाना है, जीरो आएगी वैल्यू, ये जीरो आएगी। आप यहां से भी देख सकते हो, 4 के मल्टीपल में जब करेंगे तो दैट वैल्यू, यानी ये स्टेटमेंट लोड कर सकते हो कि 4 कंजुगेटिव इंटीग्रल पावर का सम जो होता है, द सम ऑफ 4 इंटीग्रल पावर ऑफ किसका, आई का, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, द सम ऑफ 4 इंटीग्रल कंजुगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0, ये आप देख सकते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट जो आएगा वो माइनस वन, 4 कंजुगेटिव मतलब 9, 10, 11, 12 जो भी कंजुगेटिव लोगे, जैसे यहाँ पे अगर 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 9 है तो ये इसका मतलब 4 2 8 1 1 ही बचेगा, यानी केवल आई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर हो गया, आई स्क्वायर का मतलब ये माइनस आई हो गया, माइनस, जरूरत नहीं करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस ऑफ 1 11 है, 11 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया,
थ्री का मतलब आई क्यूब कितना हो गया, आई क्यूब माइनस आई, माइनस माइनस हाँ, और ये क्या हो गया आपका आई फोर, यहाँ पे फोर है। बचेगा, ये वन हो गया, ये वन हो गया। तो देखो वन वन से कट गया, आई आई से मिट के हो गया, मतलब कहीं भी हम लिख दें, जैसे लिख दें आई इक्वल टू 41 प्लस आई टू द पावर 42, फोर कॉन्जिक्यूटिव पावर होना चाहिए, प्लस आई टू द पावर 43 प्लस आई टू द पावर 44, तो इसका बड़ा उपयोग करते हैं आई के पावर में जो कैलकुलेट करते हो, तो दिस वैल्यू हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव पावर है, इसकी मतलब इसकी वैल्यू जीरो आएगी ही आएगी, क्लियर है। और इसका जो प्रोडक्ट होगा इंटीग्रल का, तो देखो प्रोडक्ट करोगे तो आई इंटू आई है ना, माइनस वन इंटू वन, इन चारों का प्रोडक्ट अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां से हो गया आई आ रहा है, आई आ रहा माइनस, नहीं कैसे, आ माइनस आई, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू वन, आई स्क्वायर यानी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो इनका अगर फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर प्रोडक्ट करेंगे, आई पावर 9 इंटू आई पावर 10, आई पावर 10 ठीक है, इंटू आई पावर 11, इंटू आई पावर 12, इसका माइक ऑन है भी, एक मिनट, प्रेरणा साहू, वो सर हम है, अच्छा वो मेरी सिस्टर का वो है ना, उससे ऐड हो गए थे मतलब कि ईमेल से, ओके उसको भी ओके, चेंज कर देंगे। हाँ अच्छा नहीं नहीं कोई इशू नहीं, लेकिन वो माइंड ऑफ वो कर लो, माइक माइक माइक, हाँ बस ठीक। तो आई आई 9, आई स्क्वायर और आई 12, अगर इस तरह से कॉन्जिक्यूटिव तो लिख सकते हो कि फोर इंटीग्रल कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कहीं पे भी, जैसे इसका भी अगर हम मल्टीप्लाई करें कि आई पावर 41 आई इसका पावर, करेंगे माइनस वन आएगा। वही आएगा हाँ। तो ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखोगे, दिस वैल्यू इज माइनस वन, तो इसकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो माइनस वन आएगी। कहीं भी फोर कॉन्जिक्यूटिव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फोर प्रोडक्ट ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई इज इक्वल टू माइनस वन, एंड सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। तो ये दो रिजल्ट आप ध्यान रखोगे और इससे आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग जा रहे थे पॉइंट करना अपना कि आई का पावर चेंज करना है कोऑर्डिनेट में, इस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, जेड वन दिया हुआ है, जेड वन इक्वल टू यस, सो जेड वन इक्वल टू माइनस वन, माइनस आई रूट थ्री, माइनस वन माइनस आई। अब इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो हमें पता ही है आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लें और थीटा की वैल्यू निकाल लें, डायरेक्ट कोई इश्यू नहीं है इसमें। आर क्या होगा आपका, आर जो हो जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब ये है माइनस वन का स्क्वायर, ये क्या हो गया स्क्वायर और वन, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर तो अंडर थ्री रूट का फोर यानी स्क्वायर टू थ्री हो बचेगा। गया, टू हो गया, आर की वैल्यू टू आ गई। बस इसमें ध्यान रखना है एम्पलीट्यूड का ना, थीटा का, तो ये कि किस क्वाड्रेंट में आ यस रहा है वो हमने कल बताया था, ये ये ध्यान थर्ड देना है केवल क्वाड्रेंट प्रिंसिपल वैल्यू, हाँ ये क्वाड्रेंट में, तो ये ध्यान रखना है हमें, लेकिन पहले इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लेनी है। तो टेन थीटा क्या आएगा, यहाँ से रूट थ्री बाई वन, ये तो आएगा,
टेन ऑफ थीटा क्या आएगा आपका, होगा वाई बाई एक्स मतलब रूट थ्री बाई 1, रूट तो थ्री कि बाई पाई वन बाय 3 हो गया थीटा। तो थीटा की वैल्यू हो गई पाई बाई थ्री। और यहां के लिए होगा क्या ये देखना, हमने कल ही बताया था कि अगर ये है तो यहां पे ये ध्यान रखना है बस कुछ नहीं, ये थीटा पे है ये जो होगा वो माइनस ऑफ थीटा होगा, यहां पे क्या होगा थीटा होगा। और चूंकि ये एंगल होता है वो क्या होता है पाई माइनस थीटा होता है ना, ये पाई और पाई यस माइनस थीटा, तो यहां पे आता है पाई माइनस थीटा। और इसी का ये क्या होता है, इसका जो होता है ये माइनस ऑफ पाई कॉन्जुगेट, माइनस, यस हाँ कॉन्जुगेट होता है तो माइनस कर देते हैं, बस इतना ध्यान रखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसके अलावा हमें नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल आता है एम्पलीट्यूड में कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू थीटा की वैल्यू केवल माइनस पाई से पाई तक ही करना है, तो यहां से क्या है कि आप ऐसे करके मान लो यहां आप आ गया, बस यहां से लोग ऐड कर देते हैं, तो यह पाई से ग्रेटर हो गया, हमें पाई से ग्रेटर क्या है नहीं लेना है, ठीक है, तो पाई से ग्रेटर हम इसको नहीं लेते हैं, तो इसको हम इधर ये है, तो पाई से ग्रेटर नहीं लेते तो हम इसको इस रेजियो में मूव करते हैं और इसको जो है इधर से मूव करते हैं, तो ये होता है। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखो कि थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा है कोई इशू नहीं, सेकेंड में हो जाएगा तो जो यही थीटा है वो माइनस थीटा हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो बस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, और अगर जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उसकी निगेटिव कर देंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, ये ध्यान रखना। तो ये पाई बाई थ्री हो गया, तो यहाँ पे जो थीटा आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ के लिए जो थीटा होगा वो माइनस ऑफ, चूंकि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई थ्री ये आएगा वैल्यू। तो पाई माइनस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री माइनस ये यानी माइनस आ गया टू पाई बाई थ्री। तो दो पॉइंट आपको केवल फाइंड करना है, तो माइनस टू पाई बाई थ्री थीटा आ गया, आर की वैल्यू टू है, तो इसका पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पोलर फॉर्म ऑफ जेड वन इज जेड वन इक्वल टू आर मतलब टू कॉस ऑफ थीटा यानी कॉस माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाई थ्री, बस हो गया है, यही हमें करना था। अब इसको कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता वो आप कर लोगे, तो ये जेड वन आ गया आपका, साइन माइनस थीटा साइन थीटा ये आ गया, किस फॉर्म में हो गया ये पोलर फॉर्म में हो गया। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं, पहले आर फाइंड कर लेंगे, आर के लिए एक्स और वाई गिवेन ही होगा और उससे कर लें। दूसरा क्वेश्चन करो आप स्वयं से कि टू इक्वल टू गिवेन है चेंज इन टू पोलर फॉर्म, तो जेड टू इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई, माइनस टू प्लस थ्री आई करके बताएं, माइनस टू प्लस थ्री आई हो गया। यस क्या माइनस टू आर तो वैल्यू हो जाएगी थ्री, थ्री जा नाइन एंड टू टू जा फोर, ये तो तो रूट नाइन 13 हो प्लस जाएगी। हाँ रूट 13 हो जाएगा, 10
और थीटा की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी टैन इनवर्स 3/2। और हाँ हाँ अगर जो आर्गुमेंट थीटा की लेंगे तो प्रिंसिपल पाई है। माइनस टैन इनवर्स 3/2। हाँ तो अब इसका फिर जब थीटा फाइंड करेंगे तो चूंकि यहाँ टेन इनवर्स 3/2 आ रहा है, तो टेन इनवर्स 3/2 आ रहा है थीटा, यानी लेकिन यह है किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है ना। तो यस सेकेंड सेकेंड कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, पाई माइनस, तो थीटा चूंकि टेन इनवर्स 3/2 है तो वहां पाई माइनस 3/2 रख देंगे, यानी यह हो जाएगा यस आर की वैल्यू हो गई 3+2, एंड 3 3 9 4, यानी √14, √13 एंड कॉस थीटा की जगह पे क्या हो गया, पाई माइनस टेन टेन इनवर्स थ्री इनवर्स बाय टू टेन इनवर्स 3/2। सिमिलरली फॉर साइन के लिए लिख देना है, प्लस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस टेन इनवर्स 3/2। कभी कभी इसको इस फॉर्म में न देकर के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दे देता है, तो एक क्वेश्चन उस पे भी करते हैं, फाइंड द मॉडुलस एंड दैट। तो ये तो समझ में आ गया कि क्या करना है, दो लाइन में आप तुरंत कर सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना, बस प्रिंसिपल वैल्यू इसमें ध्यान रखनी है थीटा के लिए, बस और कुछ नहीं। पहले थीटा को मॉडुलस में पॉजिटिव में निकाल लेंगे, और उसको अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में है तो पाई माइनस कर देंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो उसी का नेगेटिव कर देंगे, और फर्स्ट फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो जो फर्स्ट में आ रहा है उसी को केवल माइनस कर देंगे, बस सिंपल इतना। अब यदि इस फॉर्म में दिया हो कि इफ इफ जेड इक्वल टू इफ जेड इक्वल टू -2, इफ जेड इक्वल टू -2 ई टू द पावर आई, ई टू द पावर आई -π/3, -2 ई टू द पावर -π/3, देन फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, देन फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ देन फाइंड मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ, ठीक है, ऑफ जेट। तो दोनों निकालना है, मॉडुलस भी निकालना है और आर्गुमेंट भी निकालना है, एंड एम्पलीट्यूड AMP, या इसी को आर्गुमेंट लिखते हैं। तो कैसे करेंगे, मॉडुलस तो क्लियर, मॉडुलस तो पता है, जेड इक्वल टू आर ई थी थीटा में आर, आर तो 2 है, ये तो क्लियर है, बस दिक्कत किसकी है हमारी, थीटा की, क्योंकि डायरेक्ट थीटा या नहीं लिख दोगे कि थीटा -π/3 है, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको देखना पड़ेगा कि ये किस कोऑर्डिनेट में है, ठीक है, इसको किस कोऑर्डिनेट में होने के लिए पहले इसको आप चेंज कर दोगे, तो चेंज कर दो इसको, तो देखो पता चल जाएगा तुम्हें, इसको क्या करो कि पहले चेंज कर दो, तो -2, और यहां पे है आपको, इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ ये तो थीटा, यानी π/3 कॉस रहेगा, ऑफ -π/3 -π/3। प्लस आई साइन -π/3 कॉस थीटा प्लस आई, अब इनकी वैल्यू रखते जाओ, तो -2 कॉस π/3, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है,
तो कॉस पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस पाई बाई थ्री हाफ हाफ वन हाफ बाई टू, हाफ ठीक है। कॉस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय थ्री एक ही बात है, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस हो जाएगा, -3 और साइन पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी होगी, रूट, √3/2, मतलब √3/2। हाँ आई रूट 3/2, ये आ गया। अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का √3 और ये हो जाएगा माइनस का 1, यानी -1 प्लस I√3, ये हमारा हो गया। अब यहां से भी आप आर निकालोगे तो आर तो 2 ही आएगा, देखो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √4, तो आर तो 2 आएगा। अब थीटा यहां से आप निकाल सकते हो, पहले थीटा आप फाइंड करोगे तो ये आ जाएगा टेन पाई बाय इनवर्स, थ्री ये √3/1, यानी 3 मतलब पाई बाई 3 आ गया यहाँ से, तो ये आ गया पाई बाई 3। अब ये किस कोऑर्डिनेट में लेंथ है, माइनस पाई करेंगे। सेकंड, हाँ तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में है, तो यहाँ के लिए जो थीटा होगा दैट थीटा इज पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब ये आ जाएगा 2π/3। तो ये करना पड़ेगा इस आर्गुमेंट के लिए, तो मॉडुलस के लिए तो कोई प्रॉब्लम है आर, लेकिन ई की पावर ये -π/3 है, तो यहां से नहीं क्लियर हो रहा है कि किस कोऑर्डिनेट में है, लेकिन जैसे ही इसको चेंज कर दोगे ये कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा किस में है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे कि इसी को लिख देंगे -π, की ई पावर आई थीटा है तो थीटा -π/3, ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, पहले कोऑर्डिनेट को हमें देखना पड़ेगा। तो इस सर तरह से आपने e की पावर आई को कैंसिल कर दिया है क्या? वहां पे कैंसिल तो नहीं आपने कर माइनस रहे, पाई। इसको इसको क्या गया, कॉस ऑफ -π/3 ई पावर आई थीटा क्या होता है, ये ध्यान रखो, बोला था ना ये क्या है, कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक वो है। आपने उसको ओपन करके रख दिया, समझ गए सर। हाँ, इसको ओपन किया गया तो ये हो गया कॉस, और यहाँ पे थीटा क्या है -π/3, तो कॉस -π/3 प्लस आई साइन समझ π/3 -π/3, यही अभी पीछे आ बताया गए था तो सर। इसको देना, ठीक है। जी और उसके जी बाद ये पता चल गया, अब फिर यहाँ से मॉडुलस का और यहाँ से थीटा निकालना, जी सर। ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन और करो अपने से ही, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, ये गिवन है, इसका आपको निकालना है रियल पार्ट, पूछा हुआ क्वेश्चन है, थीटा बिलोंग्स टू आर, सर वो क्या लिखा, ई की पावर e की पावर आई थीटा, माने एक्सपोनेंशियल और फिर एक्सपोनेंशियल के पावर आई थीटा है, तो कह रहा है कि इसका रियल पार्ट निकालिए, कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, कर पाओगे इसको, पहले एक्सपेंड ही करेंगे, ये हमें पता है ई की पावर ये आई थीटा क्या, ई की पावर आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा
प्लस आई साइन थीटा। तो इसके ऊपर पहले लिखो इसको, ई के पावर, और ई की पावर आई थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एक्सपोनेंशियल प्लस आई साइन थीटा। ये होल ई की पावर में रहेगा। हाँ, ये ई के पावर में, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अलग अलग लिख लें। तो ई के पावर कॉस थीटा, ठीक है, ई के पावर कॉस थीटा, और ई के पावर आई साइन थीटा, ई के पावर आई साइन थीटा। तो ये करोगे, ई के पावर, इसको लिख लो, ई के पावर कॉस थीटा, ये अलग हो जाएगा, ये तो रियल हो ही जाएगा, और ई टू द पावर आई साइन थीटा। अब ये समझ में आ ही रहा क्या है? ई टू द पावर आई थीटा है, मैंने थीटा यहां पे क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ये तो हुआ। तो ई पावर आई थीटा क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहां पे क्या हो गया, ई के पावर आई साइन ऑफ थीटा है, तो अब इसको पुनः करेंगे, ई टू द पावर कॉस थीटा, ई टू द पावर कॉस थीटा विथ इन ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ थीटा क्या है, साइन थीटा है, तो कॉस ऑफ साइन थीटा हो गया। प्लस आई साइन ऑफ थीटा, तो थीटा यहां पे क्या है, साइन थीटा है, तो साइन ऑफ साइन थीटा हो गया। क्लियर? अब ये आ जाएगा रियल यस पार्ट, सर, मतलब ऐसे ई ही था। पावर यस कॉस सर, थीटा कॉस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट। तो ये इसमें बस वही ई पावर आई थीटा का हमें वो करना था, रियल ऑफ जेड ये आ जाएगा, ई पावर कॉस एक्स, और ये जो होगा वो रियल पार्ट हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट हो गया। तो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दैट, तो इसका रियल पार्ट हो। नाउ नेक्स्ट थिंग, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट पहले बताए थे, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या, कॉन्जुगेट होता है क्या बताया था, जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है। अच्छा ये जरूर देखना, जैसे यहाँ जेड का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस आई वाई है, और कहीं भी अगर सिंप्लीफाई करते हैं और मान लो वन बाई आई आ गया, तो वन बाई आई में नहीं छोड़ते हैं उसको, क्या करते हैं कि वन आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन बाई आई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो कहीं भी अगर आता हो कि वन बाई आ गया आई, तो वन बाई आई ईश्वर नहीं होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, जी सर। तो ये माइनस ऑफ आई होगा, ये हमेशा ध्यान रखोगे, यानी वन बाई आई जो है वो नॉट अलाउ है, इस तरह से ये समझिए कि ये नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं है, कहीं भी अगर आ जाए तो आप कर लो। तो यहां पे जेड है एक्स प्लस आई वाई, कॉन्जुगेट इसका बताए थे क्या करना है, आई को रिप्लेस कर देना है माइनस आई से, वही कॉन्जुगेट बनता है, उसके नीचे सेम पॉइंट आता है एक्स माइनस, उसका मिरर पॉइंट है एक्स माइनस आई वाई। तो ये जेड बार, अब ये इसकी प्रॉपर्टी में फर्स्ट कहता है कि अगर इसका कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट करें, यानी जेड ऑफ बार का और पुनः जेड करें, तो ये क्या आ जाएगा, इस कॉन्जुगेट का पुनः कॉन्जुगेट करें, तो इसका कॉन्जुगेट का पुनः कॉन्जुगेट करेंगे, आई को पुनः रिप्लेस करेंगे आई से, माइनस आई से, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये जैसे ही प्लस हो जाएगा यानी ये जेड आ जाएगा, तो ये वैल्यू जेड हो जाएगी, यानी जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट है और उना इसका कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है, जेड कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट, तो ये वैल्यू जेड हो जाएगी।
जेड इंटू जेड बार हमने बताया ही था आपको क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो जेड यस सर, इंटू जेड बार आपको पता ही है। सेकेंड इंटू जेड बार, तो ये आता है मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, दैट इज वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा, इन दोनों को ऐड करें यदि, तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा जो बताया था आपको। थर्ड पॉइंट, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू जेड प्लस जेड बार। क्योंकि कभी कभी इस तरह से पार्ट अगर पूछ देता है तो ऑब्जेक्टिव में तो हम भूल जाते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया, जेड प्लस जेड बार अपॉन टू, या इसी को इस तरह से लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ, लिखने का तरीका है रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जेड प्लस जेड बार अपॉन टू। उसी तरह से इमेजिनरी पार्ट के लिए माइनस कर देंगे तो अपॉन टू आई आ जाएगा, है ना। या माइनस करोगे तो जेड माइनस जेड बार ओ आई जो हो जाएगा टू आई वाई, तो वाई इक्वल टू जेड माइनस जेड बार अपॉन टू आई, और वाई को हम क्या करते हैं, रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है तो वो आता, वो भी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो इस तरह से कोई बहुत विशेष नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर कॉन्जुगेट का माने अगर इस तरह से हो कि जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट, होल का कॉन्जुगेट ये होगा, अलग अलग भी कॉन्जुगेट का एडिशन हो जाएगा, यानी जेड वन का कॉन्जुगेट प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट। आप स्वयं से इसको प्रूफ कर सकते हैं। मतलब क्या कह रहा है, देखो जेड वन कह रहा है क्या है, मान लो एक्स वन आई वाई वन, जेड टू क्या है हमारा, एक्स टू प्लस आई 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 वाई टू, आई वाई टू, ठीक है। अब कह रहा है कि जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू दोनों करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आई वाई वन प्लस वाई टू, और कह रहा है कि इस पूरे का कॉन्जुगेट जेड वन प्लस जेड टू पहले निकाल ली, इस होल का कॉन्जुगेट करें, यानी इसका कॉन्जुगेट, तो इसका जो कॉन्जुगेट आएगा क्या आएगा, जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब आई को माइनस आई से कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस आई वाई वन प्लस वाई टू, ये आएगा। तो यहां पे क्या किया कि दोनों का ऐड करके कॉन्जुगेट जो निकाल रहे हैं, और इनका अलग अलग कॉन्जुगेट का अगर एडिशन करें, अलग अलग अगर करें, जैसे जेड वन क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करेंगे जेड वन का तो एक्स वन माइनस आई वाई वन प्लस एक्स टू माइनस आई वाई टू, तो सेम ही आएगा, सेम ही तो हुआ, एक्स वन प्लस एक्स टू और माइनस कर लोगे आई कॉमन कर लोगे तो वाई वन प्लस वाई टू, तो ये सेम आएगा। इसी को बोलता है कि जेड वन जेड टू का होल कॉन्जुगेट करेंगे तो जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, क्लियर। हाँ,
उसी तरह से जितने भी होंगे वो सभी का कर सकते हैं। जेड वन माइनस जे टू का भी करेंगे तो आएगा, अगर यहाँ माइनस भी कर दें कोई इशू नहीं, और होल का कॉन्जुगेट करेंगे तो जेड वन का कॉन्जुगेट माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं जेड वन माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट, ये भी सेम वही से जाएगा, आप करके देख सकते हैं। तो जेड वन का कॉन्जुगेट माइनस जेड टू का कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब मान लो मल्टीप्लीकेशन में भी है, Z1, Z2 का होल कॉन्जुगेट भी मान लो ऐसे भी करते हैं सेकेंड, कि Z1, Z2 होल का कॉन्जुगेट इक्वल टू क्या होगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, अलग अलग करके मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम आएगा, ये भी प्रॉपर्टी आप देख लेना। यस सर, यस सर। दूसरा मान लो पावर में है कि जेड के पावर एन और इसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, ठीक, तो ये क्या आएगा कि अगर हम जेड का कॉन्जुगेट ही लेकर के और उसका पावर एन कर दें वो सेम हो, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, जो भी नंबर है प्रॉपर्टी का तो ये कर सकते हैं। दूसरा डिवीजन में नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, 4 जो भी है, ये मान लो 5 है, क्रम नहीं लिखा तो जो भी आए नंबर आप लिख, Z1 बाई Z2 होल का कॉन्जुगेट, ये होल का कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट, अलग अलग करके डिवाइड करें तो भी सेम आएगा। वो हम देख रहे हैं, जैसे अभी एक हमने करके दिखाया सेम वैसे ही आप करोगे सब में आपको सेम आएगा। तो ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज हो गए। अब प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन, तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस फंक्शन में, तो मॉडुलस फंक्शन में तो एक चीज हमें बता दें कि मॉडुलस ऑफ माइनस जेड या मॉडुलस ऑफ जेड, क्योंकि यह डिस्टेंस फंक्शन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट है तो ये हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो जो भी मॉडुलस करेंगे यानी मॉडुलस ऑफ जेड, अच्छा मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो है इसका क्या मतलब है, पहले तो ये जाने हैं, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जीरो इसका क्या मतलब, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये क्या इंप्लाई कर रही है, मतलब कि जो पॉइंट एक्स जीरो है और वाई जीरो है, पॉइंट कहां कहां पे है, उसी जीरो जीरो पे है तभी तो होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब अंडर रूट एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू, ओरिजिन पे ही वो पॉइंट है, यानी जो जेड है वो जेड क्या है, जीरो प्लस जीरो आई ओरिजिन को ही है, ठीक है। तो जेड जो है वो जीरो प्लस जीरो आई है क्योंकि सेम पॉइंट है तो इसलिए वहां से डिस्टेंस उसकी जीरो है। सेकेंड प्रॉपर्टीज की वो जो हमने बताया कि मॉड ऑफ जेड जो होता है वो मॉड ऑफ माइनस जेड के भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। और आल्सो इसके कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस क्या होगा, सेम होगा, मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट भी क्या होगा, सेम ही आएगा, ये भी सेम आएगा। एंड आल्सो मॉडुलस ऑफ आई जेड अगर कर दें तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये तो ये सेम आएंगे। नाउ नेक्स्ट कर सकते हो इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, रियल पार्ट ऑफ जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड जेड एंड लेस देन इक्वल टू
मॉड ऑफ जेड। सिमिलरली फॉर इमेजिनरी के लिए, ठीक है, या तो इसके माइनस मॉडुलस से या ग्रेटर देन इक्वल होगा, और इससे क्या होगा, मॉड ऑफ जेड से लेस देन इक्वल टू। वही सेम फॉर इमेजिनरी के लिए भी आप लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट के लिए भी सेम होगा। दूसरा जेड इंटू जेड बार बताया है अभी, वही सेम यहां पे भी आएगा। जेड इंटू जेड बार यही क्या होता है, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन होता है। दो मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है, प्रोडक्ट जो होगा उनका अलग अलग भी प्रोडक्ट के इक्वल होगा, यानी मॉड ऑफ जेड वन इंटू मॉड ऑफ जेड टू इक्वल टू क्या होगा, यानी जेड वन जेड टू का करके मॉडुलस लें, या मॉड ऑफ जेड वन अलग निकाल लें और मॉड ऑफ जेड टू अलग निकाल लें। कहीं जेड ये हो जा रहा है, कहीं जेड ये हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो मॉड ऑफ जेड वन जेड टू अलग अलग मॉडुलस निकाल के और दोनों का मल्टीप्लाई कर ले तो हमारा जो होगा वो उसके इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखेंगे, आप चाहोगे तो प्रोडक्ट करके देख सकते हो, वो सेम आएगा। भाई जेड वन कोई मान लें ए प्लस आई बी, जेड टू मान लें ए वन प्लस आई बी वन, ए टू प्लस आई बी टू, जो भी कर ले और दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें फिर उसका मॉडुलस ले, यानी उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का, और इसका अलग से करोगे और इसका अलग, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वो सेम ही आएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किसी फंक्शन का जेड के पावर n का करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मान लो अगर इस तरह से गिवेन है कि मॉडुलस ऑफ जेड के पावर n का मॉडुलस अगर करना है, माने उस नंबर का पहले n टाइम जेड स्क्वायर कर रहे हैं और पुनः उसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, इसका हम लोग बहुत उपयोग कर लेते हैं कहीं पे भी। और ये इस वैल्यूज में अगर हम मॉड ऑफ जेड का निकाल के उसका पावर कर लें तो आसान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां तो प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे क्या होगा कि मॉडुलस ऑफ जेड फाइंड किया है और उसका पावर एन कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जेड जो है तुम्हें दे दिया है 2 + 3i, अब अगर इस तरह से पूछ रहा है कि फाइंड, ये कहीं कहीं पूछ भी लेता है, बहुत माइन्यूट चीज है इसलिए क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाता है, जेड के पावर 3 या 4 जो भी पूछ लिया, तो लोग करते क्या है कि अब जेड को 4 टाइम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि हम लोगों को इसको प्रूफ देखना है तो हम 2 2 ही कर रहे हैं अभी, क्योंकि अभी तो हो जाएगा। तो जेड का आप स्क्वायर करते हो, इसका स्क्वायर निकालते हो और फिर उसका मॉडुलस निकालते हैं। यहाँ मॉडुलस थ्योरम की प्रॉपर्टी से क्या कर रहा है कि इसका मॉड जेड आप निकाल लो, तो मॉड जेड इसका आ गया 3 3 = 9 और 2 2 = 4 अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 13, या इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको 4 कर ले, इसको 4 कर लेता हूं, 4 + 3i, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू जो हो जाएगी, इसका मॉडुलस ऑफ जेड जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये 25, यानी 5 आ गया, तो मॉड जेड 5 आ गया। तो जेड स्क्वायर क्या आएगा, जेड स्क्वायर का जो मॉडुलस आएगा वह इसी का स्क्वायर आएगा, यानी 25 आएगा, ये तुरंत आप बता सकते हो। यहां पे अगर क्यूब करना है या 4 करना है, यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, वो डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं देखो अब इसका मल्टीप्लाई 4 + 2 4 + 3i, देखो यहाँ जेड इक्वल टू 4 + 3i इंटू 4, जेड स्क्वायर का मतलब ये हुआ इंटू 4 + 3i, जरा करके बताओ क्या आ रहा है,
मल्टीप्लाई करिए, तो 4 4 जा 16, देन 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12 आई, 12 y यहाँ से यस आएगा और 9, और इधर से कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 9 आई स्क्वायर, तो वो भाई, अब तो इधर खैर फोर समझ ले, -9 हुआ, और ये 12 तेरी आई 12 आ 24 जाएगी, 24 आ जाएगा ना, 24 i, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 3 जा 9, तो 9 और i इंटू i, i स्क्वायर -1, तो -9, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, नहीं कितना हो जाएगा, 7, +24 i, यही आएगा क्या, देख लो भाई, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड, यस सर, यही आएगा सर। हाँ ठीक। अब इसका निकालो मॉडुलस, मॉडुलस मतलब अंडर रूट, सब 6 25 आएगा। तो अंडर रूट हो गया 7 का स्क्वायर 49, और 24 का स्क्वायर, बताओ, कैलकुलेट करो। हाँ, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 576, 625 आएगा अभी सर। 25 आएगा, तो देखो 625, तो कितना, 625 अब कितना, आएगा। हाँ लेकिन इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी हाँ, फाइव वो हो पच्चीस जाएगा, हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, और यहीं से हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 25 आ रही, तो यह इजीएस्ट होता है, आया समझ में। यहां पे हमने क्या किया कि ये वैल्यू यस जेड स्क्वायर सर, कर रहे हैं, फिन इसका यस कर रहे हैं, फिन इतना कर रहे हैं, फिन ये 25, और यहां हमने क्या किया कि मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लिया, मॉडुलस ऑफ जेड क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये 5 का हमें जितना भी वैल्यू करनी हो, जेड स्क्वायर करना है, यानी जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके अनुसार मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो। अब यहाँ क्यूब भी करना हो, 3 भी करना हो, 4 करना हो, 5 का उतना पावर करते जाएं तो ये तुरंत हम बता पाएंगे, तो ये इस प्रॉपर्टी का बहुत उपयोग होता है, और इस पे बेस क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आपने इसका मल्टीप्लाई करता रहा, जैसे स्क्वायर में तो अभी ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यूब करना हो तो यहां से तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि 5 5 25 और 25 5 125, तो 125 आ जाएगा, यहां से तो हमने बता दिया क्यूब का तुरंत, लेकिन अब यहाँ क्यूब का अगर मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो तो ये लार्ज टाइम टेकिंग हो जाएगा, और बहुत लंबा हो जाएगा, और टाइम कंज्यूम ही कराना होता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना होता है, तो क्लियर, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरा, यस ऐसे सर। तमाम हाँ ऐसे तमाम, नेक्स्ट देखो, मॉड ऑफ Z1 by 2, तो हम क्यों इसका जाएंगे Z1 2 का, आप पहले डिवीजन कर लें, और डिवीजन करने मतलब a+ib के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, और फिर उसका जो मॉडुलस लेंगे उससे बेटर है कि आप क्या करिए, मॉड ऑफ Z1 निकाल लीजिए तुरंत, और मॉड ऑफ Z2 निकाल लीजिए, तो डिवीजन से आप क्या हो गए, बच गए, और दोनों को क्या है, डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपको मिलाएगा, तो वही सेम आएगा, सेम प्रॉपर्टी, आप वेरीफाई करना चाहोगे तो दो नंबर लेकर के आप स्वयं वेरीफाई करेंगे, तो ये भी प्रॉपर्टी है, बट इसमें क्या होना चाहिए कि मॉड ऑफ Z2 जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 ना, क्योंकि अगर Z2 0 हो गया तो दैट वैल्यू इज तो अनडिफाइंड होगा, तो Z2 नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना। यस नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हो जाएगा एक प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मॉड ऑफ, अगर इस प्रॉपर्टी को, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मॉड ऑफ Z1 + Z2,
यानी जेट वन जेट टू को पहले ऐड करके और उसका स्क्वायर करें, माने ये हुआ जेट वन प्लस जेट टू का मॉड निकाल रहे, प्लस मॉड ऑफ, इस तरह से कहीं क्वेश्चन आए तो जेड वन माइनस जेड टू करें, उसका मॉड निकालें, फिर उसका स्क्वायर करें, और ये वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर, माने इंडिविजुअली तो तुरंत निकाल लेंगे, प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, और मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से भी कभी कभी पूछता है, तो इसका भी इम्पोर्टेंस है। मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर है, जेड वन माइनस जेड टू है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो टू ऑफ एक का इंडिविजुअल निकाल लें, दूसरे का इंडिविजुअल, दोनों को ऐड कर लें, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके। तो इसको चाहोगे आप प्रूफ कर लेंगे, प्रूफ करने में कोई इशू नहीं है, आप सेम प्रॉपर्टी आपको पता है, आप कर लेंगे। तो ये मार्वलस के कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन है। कभी कभी इनका जो है ये पूछता है मॉडुलस में दे करके कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मॉड इक्वल टू जेड इक्वल टू ए दे दिया है और पूछ रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट, मॉड जेड इक्वल टू ए, अगर मान लो ऐसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन, मॉड जेड इक्वल टू ए व्हाट रिप्रेजेंट दिस, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मॉड जेड इक्वल टू ए, मॉड जेड क्या है, डिस्टेंस को बताता है, यानी एक्स प्लस आई वाई, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप इसको कर सकते हो, जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई, और जब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार आप कर लोगे तो आसानी, दिस इज इक्वल टू ए, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये क्या है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल को एक्स वाई ये सर, गो सर्किल है सर्कल को जिसका जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, 0,0 इसका हाँ इसका सेंटर जो है ओरिजिन है। कभी कभी इसी को ऐसे पूछ लेता है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, पूछता है सर्किल है, दिस इज इक्वल टू ए है, तो जेड माइनस जेड नॉट एक पॉइंट है, ए प्लस आई बी, एक्स माइनस आई वा, इस तरह का है, जेड तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसका पॉइंट है, पॉइंट मतलब कोई भी रियल नंबर है, जेड माइनस थ्री लिख दिया या थ्री प्लस आई लिख दिया, कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से दिया है, जेड माइनस जेड नॉट मतलब ये एक पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, मान लो जैसे टू प्लस आई दे दिया, टू प्लस थ्री आई, इस तरह का ये पॉइंट है, और ये वैल्यू ये है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो लिख देता है कि दिस रिप्रेजेंट ए सर्किल विद सेंटर इज दे देगा, रेडियस इज, या दिस रिप्रेजेंट हाइपरबोला, इस तरह से तमाम ऑप्शन बना देते हैं। तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब एक्स प्लस आई वाई करोगे तो ये हो गया एक्स माइनस, देख लो यहाँ पे सिंबल एक्स प्लस आई वाई, जब भी लोकस हो तो जेड को आप एक्स प्लस आई वाई लिखिए, ये जेड पॉइंट है, पॉइंट मतलब कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट रख लो, तो ये हो गया माइनस टू माइनस थ्री आई मॉडुलस इक्वल टू ए। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे तो रियल पार्ट क्या है, एक्स माइनस टू है, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर अंडर रूट में, अब होल स्क्वायर कर दिए सभी का, हम यहाँ पे भी कर दें, इसका स्क्वायर कर दें, दिस इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस, क्योंकि आई कॉमन लेंगे तो ये हो गया वाई माइनस थ्री, तो वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो
यह भी एक सर्किल रिप्रेजेंट कर रहा है हुज सेंटर इज 2, 3, रेडियस ए है। तो इस तरह से भी पूछता है कि लोकस ऑफ दैट, इनके लोकस क्या होंगे, तो ये लोकस आप कर लोगे, ठीक है। यस सर। एक क्वेश्चन और भी होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो लिख लीजिए और आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चनों में ये पूछ चुका है, कई एग्जामों में भी पूछता है। इफ नोट कर लो और अपने से, इफ मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड वन जेड माइनस जेड टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं सब ऐसे ही, इक्वल टू वन, यानी यूनिट मॉडुलस है। वेयर, राइट कर लो, वेयर जेड वन एंड जेड टू आर टू फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर जेड वन एंड जेड टू आर टू फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वेयर जेड वन एंड जेड टू आर टू फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द लोकस ऑफ जेड, देन ये ध्यान रखोगे, देन लोकस जेड, मतलब जेड का जो लोकस, जैसे अभी उधर सर्किल आ रहा था, यहां पे क्या आएगा, तो जेड लोकस ऑफ जेड इज परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, इसको ऑफ लिखो, ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, सर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, अभी ज्वाइनिंग आई एन आई एन जी ज्वाइनिंग द पॉइंट, बाइसेक्टर मतलब डिवाइड करने वाला, बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये लिख लो पहले, क्योंकि ये पोस्टर पूछता है तो वहां अगर सोल्यूशन कर ही लेते हैं, ज्वाइनिंग द पॉइंट जेड वन कॉमा जेड टू, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन जो करेंगे तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब, देखो बाइसेक्टर का मतलब, बाइसेक्टर जैसी लाइन है ये, चूंकि यह प्लेन पे है पॉइंट, ये समझ लो यहाँ पे एक पॉइंट ये है जहां पे ये जेड वन है और एक पॉइंट यहाँ पे जेड टू पे, ठीक है, तो जो ये कंडीशन है, यह कंडीशन मतलब इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस आ रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब वह लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और दो बराबर भागों में क्या करे, डिवाइड करे, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये समझ गए सर, समझ गए, तो ये बाइसेक्टर बहुत सारे हो सकते हैं, बाइसेक्टर को हम मान ले ये पॉइंट है, ये ऐसे भी बाइसेक्टर कर सकते हैं, ये भी लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है दो पॉइंट में, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब कि इस पे परपेंडिकुलर भी हो और इसको दो पार्ट में बाइसेक्ट भी करे, ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, और जो लाइन बाइसेक्टर होती है
जैसे आप पहले क्लास में पढ़े होंगे जैसे ट्रायंगल वगैरह में, ये भी बाइसेक्टर है, लेकिन इसको हम फिर मीडियन बोलते हैं अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है तो, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, दो भाग में डिवाइड कर रही है, यस लेकिन सर। परपेंडिकुलर। तो इसका जो लोकस आएगा, ये जो पॉइंट है Z1 - Z1, Z - Z2 = 1, अगर ऐसा गिवेन है कोई भी पॉइंट हो, यहाँ जेड दिया -2 + 3 या कुछ भी हो, Z1 और Z2 कुछ भी हो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे जो इसका लोकस आएगा वह लोकस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। तो ऐसा ऑप्शन आपको गिवेन होता है, ऐसा ऑप्शन उसमें गिवेन होगा, और नहीं तो अक्सर सर्किल लिख दिया था, लोग को ध्यान सर्किल ही रहता है, वो सर्किल से ही कर लेते हैं। और दूसरा ट्रिंगल इनइक्वलिटीज आपको पता ही है कि मॉड ऑफ Z1 + Z2 अगर करेंगे तो वो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 + मॉड, मैंने दो साइडों का सडिशन उनके अलग अलग साइडों के सम से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये जो है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से इनको आप चाहोगे तो कर सकते हैं, और जिसको ट्रिंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा आर्गुमेंट प्रॉपर्टी, आर्गुमेंट प्रॉपर्टी मतलब एम्पलीट्यूड का प्रॉपर्टी। तो एम्पलीट्यूड प्रॉपर्टी अब ये इसको हम लोग कल करेंगे कि एम्पलीट्यूड के क्या क्या प्रॉपर्टी है और एम्पलीट्यूड को और कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो ये आपके पूरे हो जाएंगे, और पे आधारित जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस की कुछ और कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से ही ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा लगभग लगभग प्रॉपर्टी ऑफ प्लस। हाँ, अब इसमें एक पॉइंट जो बचेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यहां से भी क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो कैसे उसका उपयोग करके हम निकालते हैं वो आप इसमें करेंगे, और डिमाइवर्स थ्योरम, दो तीन पॉइंट्स और इसमें अभी रहेंगे। तो पहले इसको हम लोग कर लें, फिर डिवाइवर्स थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको इतना कर लोगे आप लोग, इससे आधारित क्वेश्चन फिर कराए जाएंगे, और फिर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कराएंगे, है ना। जैसे वही था कॉन्जिग्यूटी पावर ऑफ इंटीग्रल का, तो उसका बहुत उपयोग हो जाता है, और उस आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो ठीक है। बाकी किसी कोई डाउट है तो भी पूछ सकता है। वो बाइनोमियल वाला क्वेश्चन बता दिया थे आपने? बाइनोमियल देश भेजे थे क्या क्वेश्चन? हाँ, ग्रुप में हमने भेजा था। मैंने देखा ही नहीं कि, एक मिनट देखते हैं। अच्छा है, ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि इफ आर एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर, आर इज ग्रेटर देन एन, एंड कोफिशियंट प्लस ऑफ आर प्लस 2th टर्म एंड 3rd टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना आर इक्वल देन, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? इधर से तुम्हें आर प्लस 2th टर्म मतलब टी आर प्लस 1 होते ही है, ये पता ही है आपको, ठीक है। जी तो ये कह रहा है कि सर, इसके आर दो प्लस आंसर आ टूएथ रहे हैं। टर्म है, दो आंसर आ रहे हैं। हाँ, और पता नहीं इसमें राइट क्या है, वो कौन समझ नहीं आ रहा है। सी भी है, डी भी है। सर उस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है सी कि वो जो आर प्लस टूएथ टर्म की वो जो बात कर रहा है ना, वो आगे से भी बात कर रहा है और पीछे से भी बात कर रहा है, इसलिए उसके दो आंसर है। नहीं को, हाँ आर एस प्लस टू टर्म एंड थ्री आर एस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ आर इक्वल, हाँ देन एन इक्वल, हाँ वो बात दोनों तरफ से हो जाएगी, हाँ तो ठीक है, तो कोई इशू नहीं आएगा। 3rd टर्म उधर से भी कर रहा है और आर प्लस 2th टर्म है, तो अगर आर इज ग्रेटर हाँ देन 1 और एन इज ग्रेटर देन 2 पे है, हाँ तो आ जाएंगे दोनों, हाँ दोनों तरफ से अगर हम करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ना, दो आ जाएंगी उससे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ तो अच्छा, कहा नहीं है, हाँ हाँ तो दिख सर, गया उसमें कोई, ठीक है। समझ में आ गया,
ठीक है। सर एन आर तो निकाल लिया, आर इक्वल टू 1 आ रहा है मेरे पास, लेकिन एन की वैल्यू अब उसके अब कहाँ रखेंगे समझ नहीं आ रहा है। वही वही उसके जनरल टर्म में रखेंगे। जब दोनों इक्वल करोगे उधर से थर्ड टर्म और आर टर्म, जब दोनों इक्वल रखोगे इसी में तो रखेंगे। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ए की जगह पे 1 दिया हुआ है, 1 जी प्लस एक्स के पावर एन है ना, एक्स होगा फिर हाँ उसकी सर। पावर को, जब आर ए टर्म इक्वल आएंगे तो जब वहां से जब रखोगे तो एन सी आर और उसमें आएंगे, दोनों को इक्वेट करोगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी एक्स के पावर को ना, जी एन कर को रहा फाइंड करो हाँ तो बस आ जाएगा, तो एन की वैल्यूज क्या आएगी बस इतना जी ही। सर दो आंसर आ सकते हैं इसमें। वही वैसे सुन रहे थे कि राइट कौन सा होगा तभी। नहीं तो उससे कोई इशू नहीं है ना, दोनों तरफ से तो सेम आएगा ना भाई। अगर सीरीज के उधर से हम लेते हैं क्या नाम है राइट से अगर लेते हैं वो इधर से भी, यानी पीछे से हाँ। भी और आगे से भी करते हैं तो फिर वो आएगा ना, जैसे थर्ड टर्म उधर से हम ले लिए तो वो आ हाँ। जाएगा, इस वजह से वो यस दोनों सर आएंगे। जी ठीक है जी ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। अटेंडेंस के लिए आप लोग उसमें इसमें चैट बॉक्स में नाम लिख दो अपना। यस सर। बाकी ये परमानेंट लिंक है, तो लिंक अगर नहीं भी शेयर हो तो आप इसी से ज्वाइन करेंगे है ना, ये ध्यान रखोगे, कोई रोज शेयर करना जरूरी नहीं है। ठीक है चलो, थैंक यू। थैंक यू सर।